हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास विथ बेस्ट इंग्लिश स्कूल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग योर होमवर्क डेली। सो टुडे वी आर गोइंग विथ इंग्लिश सब्जेक्ट। टुडे वी विल लर्न सिंपल फ्यूचर टेंस। इन लास्ट लेक्चर वी लर्न टू टेंस, विच वन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल past tense. Today we will go with simple future tense. First of all, there are three tense. Which type of tense? Three types of tense: present, past, future. Okay? And there are four types of each: simple, continuous, perfect, perfect continuous. ओके, आई होप आपको याद आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट सिंपल फ्यूचर टेंस। एफ यू टी यू आर ई, फ्यूचर मीन्स भविष्य, जो आगे होने वाला है, जिसकी होने की संभावना प्रोबेबिलिटी होती है, वो जो काम होता है वो हम कौन से टेंस में लिखेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस में। जैसे कि आई विल गो मुंबई नेक्स्ट संडे। आई विल गो मुंबई नेक्स्ट संडे। मैंने सेंटेंस क्या लिखा? आई विल गो मुंबई। आई विल गो मुंबई यानी मैं मुंबई जाऊंगी। ये होने वाला है, अभी हुआ नहीं है या हो नहीं रहा। क्या है? होएगा, होगा। प्रोबेबिलिटी, संभावना हमें बता रहा है, काम करने वाला है, तो वो कौन से टेंस में होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस। अब ये हम सेंटेंसेस का किस तरह से लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके लिए लिखेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस will or shall plus given plus object। आपको इतना याद होगा तो आप सेंटेंस इजीली लिख सकते हो। हमें फ्यूचर के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस will shall। सेंटेंस में क्या होगा? will और shall प्लस given प्लस object। अब देखो यहाँ पे I क्या है? सब्जेक्ट विल हो गया, वो क्या है? वी वन। और मुंबई क्या है? ऑब्जेक्ट। हो गया सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल, या तो हम विल लिखेंगे या तो सेल लिखेंगे, देन वी वन एंड ऑब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। एकदम इजी, सबसे इजी टेंस होगा तो कौन सा है? सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसी को अगर हमें नेगेटिव में लिखना है, कौन से में लिखना है? नेगेटिव में। नेगेटिव में लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। यानी आपको सिर्फ क्या ऐड करना है? नॉट। नेगेटिव के लिए क्या ऐड होगा? नॉट। ठीक है, तो अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आई विल नॉट गो मुंबई। आई विल नॉट गो मुंबई एकदम इजी है। विल और शैल कब यूज होता है आपको पता है? मोस्टली तो हम सारे पर्सन जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? विल। लेकिन ग्रामर की भाषा में हम बोलेंगे तो आई और वी के साथ क्या यूज होता है? शैल। आई और वी के साथ क्या यूज होगा? शैल। और बाकी सारे जो सेंटेंस है, सॉरी बाकी सारे जो सब्जेक्ट है, जैसे कि
इन सब के साथ क्या यूज होगा? विल। लेकिन प्रेजेंट में सभी पर्सन के साथ क्या यूज करते हैं? हम विल। तो आप विल लिखो या शैल, मोस्टली तो आप विल ही लिखना, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। चलो अब हम दूसरे थोड़े और सेंटेंस देखते हैं। आपको सिर्फ इसके पॉजिटिव यानी हम पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो दिस विल, एंड नेगेटिव लिखते हैं तो दिस विल। ओके, चलो अब जैसे कि मैं बोलती हूँ राहुल आइसक्रीम खाएगा, राहुल शाम को आइसक्रीम खाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? राहुल विल ईट एन आइसक्रीम इन इवनिंग या एट इवनिंग। ये क्या बता रहा है हमें? क्रिया अभी हुई नहीं है, होने वाली है, कब होगी? शाम को। तो राहुल विल ईट एन आइसक्रीम एट इवनिंग। अब हमने यहाँ आइसक्रीम के पहले एन क्यों लिखा? व्हाई वी राइट एन बिफोर आइसक्रीम? Because there is a I, there is a I. First of all क्या है? I, तो I के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? An, and an is a article, an is a article. तो A E I O U, ये हमारे इंग्लिश के वॉवल्स हैं, आपने सीखे हुए होंगे A E I O U. तो ये जो वॉवल्स आते हैं उसके पहले हम क्या लिखते हैं? एन। यहाँ पे आई आया, इसके लिए हमने पहले आर्टिकल लगाया, आर्टिकल क्या है? एन। अब इसी को अगर हमें नेगेटिव में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? राहुल विल नॉट ईट एन आइसक्रीम at evening. Rahul will not eat an ice cream at evening. Now second sentence is चलो सेंटेंस हो जो क्या लिख सकते हैं हम? मम्मी कल केक बनाएगी, मम्मी कल केक बनाएगी। अभी बना नहीं रही या बना नहीं लिया, क्या करेगी? बनाएगी। तो मम्मी विल मेक केक टुमॉरो, मम्मी विल मेक केक टुमॉरो। अब इसी को हम नेगेटिव में लिखें तो मम्मी विल नॉट मेक केक टुमॉरो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। सिंपल प्रेजेंट टेंस विल और शैल और नॉट क्या होगा? नेगेटिव में। आपको सेंटेंस में से कैसे पता चलेगा? आप ये विल देख के, फिर यहाँ टुमॉरो देख के, ये जो आपको साइन दिख रही है इसको देख के आप बता सकते हो कि ये कौन सा सेंटेंस है। चलो अब हम क्या करते हैं, हम तीनों टेंस को एक बार रिवाइंड करते हैं। आपको मैंने सिखाए हुए तो हैं लेकिन हम एक बार उसको फिर से याद कर लेते हैं ताकि आप उसको भूल गए हो तो आपको याद आए। सो लेट्स गो विद फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस।
सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके लिए क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा सेकंड था सिंपल पास्ट टेंस। इसके लिए क्या था बेटा? सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड वन इज सिंपल फ्यूचर टेंस। तो उसके लिए क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन टाइम हमने सीखे हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। चलो अब हम इसके सेंटेंस देखते हैं। नंबर वन इज आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चलो अब हमें ये कौन सा सेंटेंस पता चल रहा है? आई के साथ क्या है? गेट अप वी वन है। तो कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसी को हम पास्ट में कैसे लिखेंगे? आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और फ्यूचर में आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। रीमा बायस न्यू ड्रेस for the party. Nirma buys new dress for the party. देखो यहाँ पे वी वन के साथ एस है और ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब को हमने प्लूरल किया तो कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम इसको सिंपल पास्ट में करते हैं। सो रीमा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब हमें क्या लिखना है? बाय का पास्ट फॉर्म। बाय का पास्ट फॉर्म क्या होगा? बॉट। बी ओ यू जी एच टी रीमा बॉट न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। और हम इसको किसमें करते हैं? सिंपल फ्यूचर में। सो रीमा विल बाय न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। आई होप आपको तीनों टेंस अब
date and day. After it tense, then write down this. After it, you have to write this example. Okay? In homework, you have to make 30 sentence, means 10 sentence of each tense. आपको simple present के 10 sentence बनाने हैं, simple past के 10 sentence बनाने हैं और simple future tense के. और किस तरह से लिखोगे? जैसे मैंने लिख के बताया है, as it is आपको भी लिखना है. Means total आपके पास कितने tense और कितने sentence होंगे? 30. 30. आपको सिंपल के प्रेजेंट के टेन पास के टेन और फ्यूचर के टेंस ओके सो इन होमवर्क यू हैव टू मेक 30 सेंटेंस ऑफ ईच टेंस इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो विथ अदर टेंस आई होप आपको टेंस समझ में आ गए होंगे इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज थम्स अप एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन Please ask in comment box. And once again, please subscribe our new channel, Best English School, Naroda Online. It is for your online class. So everyone, please subscribe it. Okay, students? Bye. Have a nice day. And please do your homework daily.